हेलो व्यूअर्स, ये है वीओ प्लस और आगे देखिए कि अब तक क्रीप स्टूडियो ने किन किन टीवी सीरियल में काम किया है। क्रीप ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2010 से की थी। 2010 में नजर आए मान रहे तेरा पिता हमें, जिसमें उन्होंने माधव का किरदार निभाया था। फिर 2010 से 2011 तक नजर आए जी टीवी के शो अपनों के लिए गीता का धर्म युद्ध में, जिसमें उन्होंने रघु का किरदार निभाया था। 2011 से 2012 तक नजर आए कलर्स टीवी के शो फुलवा में, जिसमें उन्होंने बाबू का किरदार निभाया था। फिर 2013 में नजर आए लाइफ ओके के शो सावित्री में, जिसमें उन्होंने राहुकाल का किरदार निभाया था। फिर 2013 से 2015 तक नजर आए सदा हक में, जिसमें उन्होंने वरदान सूर्यवंशी का किरदार निभाया था। फिर 2014 में नजर आए उत्तरण में, जिसमें उन्होंने अजगर का किरदार निभाया था। फिर 2014 से 2015 तक नजर आई भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप में, जिसमें उन्होंने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किरदार निभाया था। फिर 2015 से 2017 तक नजर आई कलश में, जिसमें उन्होंने रवि का किरदार निभाया था। फिर 2016 में नजर आई बॉक्स क्रिकेट लीग में, जिसमें वो हिमसेल्फ के तौर पर नजर आए थे। फिर 2017 से 2018 तक नजर आई जी टीवी के शो जीत गई तो पिया मोहरे में, जिसमें उन्होंने अधिराज का किरदार निभाया था। फिर 2018 में नजर आई एन टीवी के शो लाल इश्क में, जिसमें उन्होंने श्रीकांत का किरदार निभाया था। फिर 2019 में कलर्स टीवी के शो विश में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने विशैला का किरदार निभाया था। फिर 2020 में स्टार भारत की शो राधा कृष्ण में उसमें उन्होंने दुर्योधन का किरदार निभाया था। फिर 2021 में नजर आए हीरो गायब मोर ओन में, जिसमें उन्होंने गुरु खत्री और ज्वालासुर का किरदार निभाया था। फिर 2021 से 2022 तक नजर आए एन टीवी के शो बाल शिव में, जिसमें उन्होंने अंधका का किरदार निभाया था। फिर 2022 में नजर आई कलर्स टीवी के शो फना इश्क में मरजावा में, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर विराट सिंह का किरदार निभाया था। और 2022 में नजर आई शुभ लाभ में, जिसमें उन्होंने ऋषभ वर्मा का किरदार निभाया था। तो ये थे अब तक के क्रीप सूरी के टीवी सीरियल्स। इनमें से कौन सा आया आपको सबसे ज़्यादा पसंद, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी और भी ऐसे नए वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।